हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल थी जन्माष्टमी, तो बच्चों ने कहा मम्मा प्लीज़ केक भी बनाइए, हम लोग केक भी कट करेंगे। और रात के 11 बज चुके थे, इतनी जल्दी ना तो केक बन पाता और ना ही बाहर से आ पाता। तो मैंने क्या किया, लिए ओरियो बिस्किट 3 पैकेट, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली तोड़ लिया। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गुनगुना, तेज़ गुनगुना मैंने इसमें मिल्क डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया अच्छे से। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, क्योंकि बिस्किट पहले से ही बहुत मीठा होता है, तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। फिर 1 चम्मच चीनी डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने फिर इसमें डाल दिया इनो। इनो डालने के बाद इसके ऊपर हल्का सा मैंने दूध डाल के इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद हमने लिया केक टिन, जिसे हमने घी से ग्रीस कर लिया है। और अभी जो बैटर हमने रेडी किया है, ये पूरा बैटर हम इनो डालने के बाद हमें इसे एक ही तरफ घुमाते हुए मिक्स करना है, और इसे हमें तुरंत ही स्टीम होने के लिए या बेक होने के लिए रख देना है। तो हमने केक टिन ले लिया, जिसे हमने घी से ग्रीस कर लिया था। तो ये पूरा बैटर हम इसमें पलट लेंगे। हल्का सा इसे टैप करेंगे। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, पानी रख के बॉयल होने के लिए एक ऐसे नीचे कटोरी रख दी है, और इस बैटर को हमने इस कढ़ाई में रख दिया है। और अब हम इसे चारों तरफ से कवर होने वाले बर्तन से ढक देंगे। और ढकने के बाद हमें इसे करीब 20 से 25 मिनट तक पकने देना है। अब टूथपिन या नाइफ़ को इसके अंदर प्रेस करके हम चेक कर लेंगे कि ये पक गया है या नहीं। अगर टूथपिन पे लग के नहीं आता है, तो इसका मतलब केक हमारा पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे इस तरीके से एक प्लेट पर पलट लेंगे। बहुत ईजिली आज निकल आता है, ये कोई दिक्कत नहीं होती इसे निकालने में। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट ग्रेट कर दी है, क्योंकि टाइम नहीं था चॉकलेट को मेल्ट करके इसके ऊपर डालने का, तो मैंने ऐसे ही इसके ऊपर चॉकलेट को ग्रेट कर दिया है। और जो स्मॉल स्प्रिंकल आते हैं केक के ऊपर डालने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, उसको मैंने साइड से इस तरीके से डाल दिया है, और एक चॉकलेट ऐसे ऊपर से इस पर रख दी है। देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। बच्चों ने कहा मम्मा खाने में भी अच्छा है, मैंने टेस्ट नहीं किया तो पता नहीं मुझे कैसा बना होगा, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और तब तक के लिए जय माता दी।